अवसर में होलिका फेस्टिवल इंटरनेशनल फोरी फेस्टिवल मनाया जा रहा है। इसी के क्रम में जो नारकोटिक्स ड्रग्स वाले हैं वो अक्सर पुष्कर उनके लिए एक डेस्टिनेशन रहा है। वो लगातार नार्को ड्रग्स बेचने का यहाँ पुष्कर के अंदर प्रयास करते हैं। इसी कड़ी को तोड़ने के लिए पुष्कर थाना पुलिस द्वारा विशेष अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें जो भी नार्को ड्रग्स बेच रहे हैं या उसका सेवन कर रहे हैं उनके खिलाफ विशेष अभियान है, उनकी धरपकड़ का विशेष अभियान है। इस क्रम में पुष्कर थाना पुलिस द्वारा पिछले तीन दिवस में तीन कार्रवाइयों को अंजाम दिया है, जिसमें दिनांक 2 तारीख को मून कैफे के पास आशीष दया, जो कि नयापुरा दिल्ली गेट के पास गिरवा उदयपुर का रहने वाला है, उसको हमने 191 ग्राम अवैध गांजे के साथ बरामद कर मुलजिम को गिरफ्तार किया था। दूसरी कार्रवाई जो हमने 3 तारीख को की है, 3 मार्च को, वो सारस्वत धर्मशाला के पास की है, जिसमें दिनेश शर्मा को हमने गिरफ्तार किया है, जो कि छोटी बस्ती पुष्कर का रहने वाला है, इसको हमने गांजा पीते हुए गिरफ्तार किया। इसी तरीके से तीसरी कार्रवाई हमने मैंगो ट्री पिजेरिया रेस्टोरेंट से शैलेंद्र कुमार है नायक, जो कि छोटी बस्ती पुष्कर का ही रहने वाला है, जिसको 56 ग्राम अवैध मादक पदार्थ चरस के साथ हमने गिरफ्तार किया। इस तरह से पुष्कर पुलिस द्वारा इस जो अपना होली का फेस्टिवल है, इसके दौरान जो भी व्यक्ति मादक पदार्थों का सेवन करेगा या मादक पदार्थ बेचते हुए पाया जाएगा उसके खिलाफ कठोरतम कार्रवाई की जाएगी। सर, दिनेश से कितनी बरामद की गई चरस? देखिए, जैसा मैंने बताया आपको कि अवैध दिनेश चंद शर्मा पुत्र रमेश चंद जाति ब्राह्मण है, जो कि सार्वजनिक स्थान पर गांजा पीते हुए चरस 156 ग्राम बरामद की हमने। नहीं, इससे दिनेश से गांजा है चरस है सर? नहीं, दिनेश से गांजा है, गांजा पीते हुए की कार्रवाई है। कितने पीते हुए की कार्रवाई? जो गांजा पीते हैं अल्प मात्रा में होती है, उसकी पीने की कार्रवाई की।